हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओसीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है पद परिचय, कक्षा 10 का हिंदी विषय का हमारा टॉपिक पद परिचय चल रहा है, जिसको आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो पद परिचय के लिए जो आवश्यक बातें थी उनमें संज्ञा के बारे में पढ़ लिया है, सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया है और विशेषण के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्रियापद का परिचय कैसे देंगे। यानी हमने सीख लिया संज्ञा पद का परिचय कैसे देना है, सर्वनाम पद का परिचय कैसे देना है और विशेषण पद का परिचय कैसे देना है। अब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्रियापद का परिचय कैसे देना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बताना है उसमें। ठीक है, तो देखिए क्रियापद के परिचय के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि क्रिया का भेद कौन सा है। ठीक है, क्रिया लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, काल कौन सा है और क्रिया का कर्ता या कर्म कौन है। ठीक है, तो इन सब बातों के लिए हमें क्रिया के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि हमें क्रिया के बारे में नहीं पता होगा तो हम बाकी सब चीजों के बारे में पता लगाने में असमर्थ होंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें पता लगाना है कि क्रिया क्या है। तो क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले या बोध हो, उसे या उन्हें क्रिया कहते हैं या वे क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया क्या होती है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले या बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं या वे क्रिया कहलाते हैं। इसके बाद हमें पता होना चाहिए क्रिया के कितने भेद हैं। कितने भेद होते हैं क्रिया के, क्रिया के दो भेद होते हैं। अब वो दो कौन से होते हैं, एक तो होता है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा दूसरा होता है रचना के आधार पर। अब इनके भी उपभेद होते हैं। ठीक है, यानी कर्म के आधार पर भी और रचना के आधार पर भी। क्रिया तो दो प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। अब कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, कौन सी, सकर्मक और अकर्मक। यानी जिसमें कर्म हो वह सकर्मक होती है, जिसमें कर्म की आवश्यकता हो सकर्मक क्रिया होती है और जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो, कर्म ना हो, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसके भी वैसे भेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक, पूर्ण अकर्मक। ठीक है, लेकिन हम इतना ही पढ़ेंगे सकर्मक और अकर्मक, क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि
क्रिया का कौन सा भेद है, पहले ये देखेंगे। अगर किसी पद का हमने क्रिया पद का परिचय देना है तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्रिया का कौन सा भेद है, ठीक है, या रचना के आधार पर वालों में से है या कर्म के आधार पर वालों में से है, ठीक है। अब कर्म के आधार पर तो दो होते हैं और रचना के आधार पर कितने होते हैं, रचना के आधार पर कर्म के भेद देखो, एक तो होता है प्रेरणार्थक, ठीक है, दूसरा होता है संयुक्त और सामान्य। ये कौन से होते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। इसके बाद हमें पहले पता लगाना है कि ये क्रिया का कौन सा भेद है। अगर हमें ये नहीं पता चलता है कि ये क्रिया का कौन सा भेद है तो हम सीधा ही क्रिया का नाम लिख देंगे, नाम धातु क्रिया, ये होती है रचना के आधार पर। कितनी हो गई, पांच। कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, रचना के आधार पर पांच प्रकार की होती है, प्रेरणार्थक, संयोग, सामान्य, नाम धातु और पूर्वकालिक। इनके बारे में हमें कंप्लीट पता होना चाहिए तभी हम क्रिया के भेद के बारे में बताएंगे, अन्यथा हम सीधा जो हमें सामान्य तौर पर जो पता होता है वही बताएंगे, ठीक है। अब देखिए उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखो, देखो रमेश वहां पर बैठा है, रमेश वहां पर बैठा है, ये हमारे पास वाक्य है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे और इसमें हम कौन से पद का परिचय देंगे, कौन सा सीख रहे हैं हम क्रिया पद, तो यहां क्रिया कौन है, बैठा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रिया का भेद देखना है कि क्रिया का भेद कौन सा है, यानी सबसे पहले हम बताएंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है। सबसे पहले क्या बताएंगे, अकर्मक क्रिया। उसके बाद क्या बताना है हमने, लिंग, बैठा है कौन सा है, पुल्लिंग। फिर उसके बाद वचन, अकेला बैठा है या बैठे हैं, तो अकेला बैठा है तो क्या हुआ, एक वचन। उसके बाद काल, काल कौन सा है, भाई बैठा है वर्तमान काल। तो क्रिया में हम वाच्य भी बता सकते हैं, यानी कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है या भाववाच्य है, ये भी हम बता सकते हैं इसमें। अब इस क्रिया का कर्ता कौन है या कर्म कौन है, बैठने वाला कौन है, रमेश, तो हम क्रिया का कर्ता भी बता सकते हैं इसमें, ठीक है। इसका कर्ता कौन हुआ, क्या लिख देंगे हम, क्रिया का कर्ता कौन है, रमेश। इस तरह से हमने क्रिया पद का परिचय देना है, यानी सबसे पहले हम भेद बताएंगे। अगर आपको उपभेद पता है तो उसका उपभेद बता दो, नहीं तो सीधा क्रिया बताओ।
दूसरा हम लिंग बताएंगे उस पद का लिंग क्या है, तीसरा हम वचन बताएंगे कि इस पद का वचन एक वचन है या बहुवचन है, उसके बाद हम काल बताएंगे कि इस पद का जो क्रिया पद का हमने परिचय देना है इसका काल क्या है, उसके बाद क्रिया का कर्ता या कर्म, या क्रिया का कर्ता है तो कर्ता बताएंगे, कर्म है तो कर्म बताएंगे कौन है। ठीक है, इसमें हम वाच्य भी बता सकते हैं क्रिया में। तो ये हमारा इस तरह से क्रिया पद का परिचय दिया जाता है। ठीक है, जैसे अब आपको ये कैसे पता चले कि ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा। यदि हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछें और उसका अगर उत्तर मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक होती है और अन्यथा क्रिया अकर्मक होगी। ठीक है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, तो क्या हमने क्रिया के साथ पढ़ता से पहले लगाया, तो राम क्या पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो उसका जवाब मिल गया, तो इसका मतलब ये क्रिया सकर्मक है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें जो बाकी की क्रियाएं हैं रचना के आधार पर जो पांच प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रेरणार्थक है, प्रेरणार्थक क्या होती है, जो क्रिया स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करे या दूसरों से प्रेरित करके जो काम करवाया जाए वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए, तो धुलवाए वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। क्यों, क्योंकि माँ ने स्वयं काम थोड़े किया, माँ ने धोबी से काम करवाया, तो वो क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे ही नाम धातु क्रिया, नाम धातु कौन सी होती है, जो मूल धातुओं के पीछे लगती है, जैसे जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये जो इन पदों से जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। उसके बाद होती है कौन सी, संयुक्त क्रिया, संयुक्त यानी दो क्रिया इकट्ठी हो, जैसे बैठना होना, ये भी तो क्रिया है और ये भी क्रिया है, यानी दो क्रियाएं मिलकर वाक्य को जब पूरा करती है तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। एक सामान्य क्रिया होती है, यानी चाहे वो मुख्य क्रिया बोलिए, जो मुख्य क्रिया होती है वो वाक्य को पूरा करने का काम करती है, उसके बीच में चाहे और कितनी ही क्रियाएं आए, लेकिन जो मुख्य क्रिया होती है वो वाक्य को पूरा करने का काम करती है। ठीक है, ये हम इस तरह से हम क्रिया पद का परिचय देंगे। इसके बाद हमारा एक और बचेगा अव्यय, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आज इतना ही समझ लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए दो तीन वाक्य लिख लीजिए, उन पदों का परिचय आपने एक्सरसाइज करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, ताकि आपको समझ आए। तो लिखिए, आप पहला वाक्य लिखो, भाग कर जाओ, भाग कर जाओ और दूध ले आओ। तो इसमें कौन सा है, भाग कर, इसका परिचय देना है हमें। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखिए, काला हिरण तेज दौड़ता है, ये दौड़ता है, ये हमारी क्रिया है, इसका परिचय दीजिए। तीसरा वाक्य लिखिए, मैंने पत्र
पढ़ लिया। पढ़ का परिचय देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। इस वाक्य में भागकर क्रियापद का परिचय देना है, इस वाक्य में दौड़ता है क्रियापद का परिचय देना है, और इसमें पढ़ का, ठीक है बेटा। ओके, धन्यवाद।